शक्ति शारीरिक क्षमता से उत्पन्न नहीं होती, ये अदम्य इच्छा शक्ति से उत्पन्न होती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 लोगों की कहानियां बताने जा रही हूं, जिनकी कहानी सुनकर आप अपनी जिंदगी से शिकायतें करना छोड़ देंगे। 10 ऐसे लोग जिनकी जिंदगी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। सबसे पहले हम बात करेंगे सुधा चंद्रन की। सुधा चंद्रन एक ऐसी महिला है जिनके बारे में जितना कहें उतना कम है। एशिया की सबसे गुणी भरतनाट्यम कलाकारों में से एक सुधा चंद्रन हम सभी के लिए एक मिसाल है। साल 1981 में हुए एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। बाद में गैंग्रीन हो जाने की वजह से डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि सुधा को अपने डांसिंग कैरियर को भूलना होगा, लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी। एक ही पैर के साथ फिर खड़ी हुई और जयपुरिया फुट लगाने के बाद 2 सालों के बाद फिर ट्रेनिंग शुरू की। इसके बाद तो जो उन्होंने वापसी की वो ऐसी थी कि आज भी पूरी दुनिया में जगह जगह अपने डांस के जौहर बिखेरती है। बता दें कि सुधा एक नामी टीवी और फिल्म एक्टर भी है। अब हम बात करेंगे पैट्रिक हेनरी हुक्स की। पैट्रिक जन्म से नेत्रहीन है, यही नहीं वो एनपथेलमिया और हिप डिसप्लासिया बीमारी से पीड़ित है। वो खुद से चल फिरने में असमर्थ है। उनकी रीढ़ में 2 स्टील की रॉड लगाई गई है ताकि वो बैठ सके। कहा जा सकता है कि वो एक ऐसे शरीर के साथ जन्मे जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन पैट्रिक के पिता ने पैट्रिक को किसी से कमतर नहीं समझा और उन्हें 9 महीने से ही पियानो पर बिठाकर उसे सीखने की ट्रेनिंग देने लगे। पैट्रिक मीडिया की नजरों में साल 2006 में आए जब उन्हें दुनिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविले के एक छात्र के रूप लुइसविले मार्चिंग बैंड का हिस्सा बने देखा। वो व्हीलचेयर पर बैठकर ट्रम्पेट बजा रहे थे। आपको जानकर हैरत होगी कि नेत्रहीन और खुद से हिल डुल ना सकने वाले पैट्रिक एक पियानिस्ट है। ट्रम्पेट भी बजाते हैं और गाना भी गाते हैं। उनके नाम दुनिया भर के कई अवार्ड्स है। रोज ही वो लाखों को अपने सफर से प्रेरित करते हैं। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे लीज मुर्रे की। एक ऐसी महिला जिन्होंने बताया कि कैसे जिंदगी को बदलना इंसान के ही बस में होता है। लीज एचआईवी पीड़ित माँ बाप की बेटी है। उनका जन्म 30 सितंबर 1980 में न्यूयॉर्क के एक काफी गरीब परिवार में हुआ। लीज के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ एड्स की वजह से गुजर गई। उनके पिता भी उन्हें छोड़कर चले गए। न्यूयॉर्क की सड़कों पर, कभी पार्कों में तो कभी स्टेशनों पर रहते हुए वो बड़ी हुई। लेकिन खुद को गलत संगत में डालने या गलत राह पर जाने की बजाय उन्होंने किसी तरह अपनी पढ़ाई की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहां पढ़ने के बाद वो ना सिर्फ एक नामी कंपनी की डायरेक्टर बनी बल्कि दुनिया भर में मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर भी मशहूर है। आगे हम बात करेंगे रैंडी पॉस की। रैंडी कॉर्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। 2006 के सितंबर महीने में पैंक्रियास के कैंसर का उन्हें पता चला। 2 सालों तक इलाज करवाने के बाद साल 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस चीज ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया और उनकी गिनती कभी ना भूले जा सकने वाले लोगों में करवाई, उसकी वजह बना एक YouTube वीडियो।
इस वीडियो का नाम है रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। ये एक लेक्चर है जो उन्होंने CMU ऑडिटोरियम में दिया। जिंदगी को लेकर बेहद सकारात्मक होने और साफ नजरिए को दिखाता ये वीडियो बताता है कि कैसे एक जानलेवा बीमारी के होने के बावजूद रैंडी जिंदगी को लेकर सकारात्मक थे। उनके इस वीडियो को अब तक करोड़ों बार देखा जा चुका है। बाद में इस वीडियो को किताब का भी रूप दिया गया, जिसे 35 अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित भी किया गया है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे सीन स्वानर की। कैंसर को मात देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन ही जाता है। कुछ ऐसा ही मामला है सीन स्वानर का। सीन एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक नहीं बल्कि कैंसर के दो खतरनाक स्टेज को मात दी। वो हॉज स्किन बीमारी और आस्किन सार्कोमा से पीड़ित थे। फिर भी 13 और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने कैंसर के दो जानलेवा स्टेजों को मात दी। इसके बाद वो विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो कैंसर के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े और सफलतापूर्वक लौटे भी। अपने सफर से वो आज भी कई कैंसर पीड़ितों के लिए उम्मीद की रोशनी है। दोस्तों, आज हमने 5 इंस्पायरिंग लोगों की कहानी सुनी। बाकी 5 लोगों की कहानी सुनेंगे हम वीडियो के अगले भाग में।